लंबे वक्त से शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को शनिवार को 200 दिन पूरे हो गए। शंभू सीमा पर आंदोलन के 200 दिन पूरे होने के मौके पर किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बड़े प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। इस बीच ओलंपियन विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पहुंची, जहां किसान नेताओं ने उनका माला पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया है। बताया जा रहा है कि किसान नेता हरियाणा चुनाव को लेकर पंचायत करेंगे, जिसमें विनेश फोगाट भी शामिल होने वाली हैं। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए विनेश ने कहा कि वो पहले विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकी थी, क्योंकि वो पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में व्यस्त थी, लेकिन अब वो पूरे दिल से आंदोलन का हिस्सा बनने वाली हैं। लोग ऐसे कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के नहीं बैठता है। हम भी दिल्ली में बैठे थे तो मजबूरी में ही बैठे थे, हर कोई मजबूरी में बैठता है ना। इनके पास खेत है, अपने काम कर सकते हैं। ये देश की उन्नति में बहुत बड़ी भागीदारी हमारे किसानों की है, और वो अगर सड़क पे बैठते हैं तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज का, है ना। मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है आज हमारे इस किसान कौम के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे बस। मैं पूरे देश की हूँ सर, मैं पूरे देश की हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं एक भारत देश की नागरिक हूँ। आज अगर आप हमारे इस किसान कौम का अगर संघर्ष अगर आप दिखा सकते हो तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मैं अपने पे नहीं लेके जाना चाहती। मेरा जिस दिन बात होगा मैं आपको बुलाऊंगी, बात करूंगी, लेकिन ये आप उस चीज को अगर दूसरी तरीके में हम लेके जाएंगे तो इनका संघर्ष बेकार हो जाएगा, है ना।